क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा जनरल? क्यों? गुरमीत शक्ल से ही नहीं, अकल से भी खोता ही है, और ऐसे खोतों को कैसे यूज करना है मुझे अच्छे से आता है। मैं जानता था कि हीर के सबसे ज्यादा करीब तुम हो, उसकी एक एक बात एक एक चीज तुम्हें पता है, इसलिए तुम्हारे कंधे पर मैंने बंदूक रखी, तुम्हें अपने प्लान का टारगेट बनाया और तुम भी लालच में आ गई और मेरे चंगुल में फंस गई। वाहेगुरु, ये मैंने क्या कर दिया? इस घटिया आदमी की बातों में आकर मैंने हीर और जीते को मौत के मुंह में धकेल दिया। घर की कोई भी टेंशन हो या पढ़ाई का प्रेशर, मैं हर चीज तुझसे शेयर करती थी। जब परेशानी होती थी तो मैं पापा जी के पीछे पड़ जाती थी कि वो तेरी मदद करें। प्यार ही तो था ना जीते। मुझे एहसास हो गया मैं कुलदीप से शादी करने के लिए मना क्यों कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में तो तुझसे ही प्यार करती आई हूँ। भले ही मैंने अपने प्यार का इजहार कुछ दिन पहले ही किया, लेकिन मैं प्यार तो तुझसे बचपन से ही करते आ रही हूँ। और आज अगर मैं चाहे मर भी जाऊं ना, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी कि मैंने जितनी भी जिंदगी बिताई है मेरे साथ बिताई है। मेरे बाबा जी से बस एक ही अरदास है कि अगले जन्म में मुझे तेरा साथ मिले, और अगले हर जन्म ना तेरे साथ ही जीना चाहती हूँ। मेरा तो मन अभी तक नहीं भर है, मुझे आपके साथ और ज्यादा जीना है। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं है। जो इतना बताना चाहती हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। I love you too, Hir ji. I love you too. लेकिन Hir ji, वो मैं आपको ना कुछ नहीं होने दूंगा। वो मुझे आपके साथ और ज्यादा जीना है।